गाइस, बिहार पब्लिक सर्विस सुपरिटेंडेंट सर्विस कमीशन यानी BPSSC में वैकेंसी आ चुकी है। ये भी बिहार से रिलेटेड पोस्ट है और इसमें भी बहुत जुड़े हुए कमेंट्स आते हैं, बहुत लोगों के सुझाव आते हैं कि बिहार या उत्तर प्रदेश में निकलने वाली वैकेंसी के ऊपर खास तौर पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट बहुत इच्छुक होते हैं इन सभी वैकेंसियों में अपना फॉर्म भरने के लिए। तो हम एक और वैकेंसी आपके लिए लेके आए हैं बिहार पुलिस की, जो कि काफ़ी अच्छी फेमस वैकेंसी है और बहुत से लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। सब इंस्पेक्टर और SI के लिए है ये। तो आप देख लेते हैं इसमें क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, क्या इस क्राइटेरिया रहेगा और साथ ही क्या इसमें फीस रहने वाली है। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, यही वीडियो देखने के बाद आराम से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस फॉर्म को फिल करना है या नहीं करना, आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। इसके लिए आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसमें एप्लीकेशन की डेट 4 नवंबर दी हुई है, यानी 4 नवंबर से शुरू हो जाएगा और 4 दिसंबर तक चलेगा, एक महीने तक ये वैकेंसी चलने वाली है। और इसमें जनरल OBC और EWS और अदर स्टेट की जो फीस है वो 700 रुपये रहने वाली है, यानी बिहार के अलावा अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 700 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। वहीं SC और ST कैटेगरी को 400 रुपये फीस देंगे और जो फीमेल कैंडिडेट जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है वो 400 रुपये फीस इसमें देंगे। इसके अलावा जो भी है स्टूडेंट वो सारे 700 रुपये फीस देंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। तो इसमें जो मिनिमम एज बताई गई है 20 साल बताई गई है और मैक्सिमम एज है 37 साल मेल कैटेगरी के लिए। यदि आप मेल हैं तो 37 साल इसमें आपके लिए मैक्सिमम एज है और अगर फीमेल हैं तो 40 साल इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी इसमें कोई एज रिलैक्सेशन का प्रावधान अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है। यदि आप बिहार से SC ST या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बात कर लेते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की। तो 64 इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है और इसमें क्या आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है और साथ ही क्या इसमें कितनी वैकेंसियाँ होने वाली हैं किस पोस्ट के लिए, तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो सब इंस्पेक्टर SI की है भर्ती, उसमें 63 पोस्ट हैं और इसमें आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी आप भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर वो रिकॉग्नाइज है भारत सरकार द्वारा, तो आप अगर उससे ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक पोस्ट है इसमें सब इंस्पेक्टर SI विजिलेंस की, एक पोस्ट है, आप इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें किस में डिवाइड की गई हैं। तो जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए आपका अनरिजर्व के लिए 27 सीटें हैं, EWS वालों के लिए 6 सीटें हैं और EBC के लिए 12 सीटें हैं और OBC के लिए 7 सीटें हैं और BC फीमेल के लिए 1 सीट है, SC के लिए 10 सीटें हैं। टोटल 63 नंबर ऑफ सीट्स इसमें अवेलेबल हैं। वहीं बात की जाए विजिलेंस की, तो इंस्पेक्टर ऑफ जो विजिलेंस है उनकी 1 सीट है और वो अनरिजर्व के लिए है, तो टोटल नंबर ऑफ इसमें 1 सीट की है। बात कर ली जाए इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की कि क्या फिजिकल स्ट्रेंथ मांगी गई है, क्योंकि पुलिस से रिलेटेड ये वैकेंसी है तो फिजिकल स्ट्रेंथ इसमें आवश्यक है। तो इसमें जो है आपसे मेल से जो फिजिकल स्ट्रेंथ मांगी गई है वो मांगी गई है जनरल और OBC कैटेगरी हैं, तो 165 हाइट उनकी मांगी गई है और अदर बाकी सबकी 160 हाइट मांगी गई है। चेस्ट मांगी गई है 81 से 86, यानी 81 बिना फुलाए 86 छाती फुला करके होना चाहिए एक्सपेंडेबल के बाद, और अदर से 79 से 84 मांगी गई है। बात की जाए रनिंग की, तो 1.6 किलोमीटर मांगा गया है 6.5 मिनट में आपको, यानी 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है 1.6 किलोमीटर की रनिंग। हाई जंप आपसे 4 फीट की मांगी गई है और लॉन्ग जंप 12 फीट की मांगी गई है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इन क्राइटेरिया को कंप्लीट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की कि फीमेल के लिए क्या फिजिकल स्ट्रेंथ बताई गई है, क्या मांगी गई है। तो फीमेल के लिए इसमें हाइट जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 155 है और अदर कैटेगरी के लिए 155 है, यानी इसमें दोनों के लिए 155 ही मांगी गई है। बात की जाए रनिंग की, तो 1 किलोमीटर की रेस मांगी गई है 6 मिनट में, यानी 1 किलोमीटर 6 मिनट में कंप्लीट करना है। और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट है और लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट इसमें मांगी गई है। तो इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था
तो इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी अपने इस चैनल पर हम आपके लिए लेके आते हैं अलग अलग स्टेटों से, अलग अलग वैकेंसियों से रिलेटेड। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए किसी ऐसी वैकेंसी या टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।